ठिकाने हैं। लिए नहीं दिख रहा है। इसमें नहीं है भाई, डिलीट में था। इसमें इसमें कहाँ? कौन है तारीख में था? तारीख नहीं, रीजनिंग भाई कुशल सर 11/12 है। लाइव है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैं कुशल दुबे एक बार पुनः आप सभी का एक्सीट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए सभी बच्चे जल्द से जल्द लाइव आ जाइए, ठीक है? सभी लोग लाइव आ जाइए। शिवम आर्या, एस तिवारी, प्रमोद सिंह राणा, शुभम सिंह यादव, रामहित कुशवाहा, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी बच्चे जो लाइव हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। क्लासेज आपकी स्टार्ट हुई है, ऐसी बात नहीं क्लास नहीं स्टार्ट हुई है, थोड़ा 15 मिनट लेट हो गया है, ठीक है? 15 से 20 मिनट आपकी क्लासेस 20 मिनट लेट हो गया, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन मैं टाइम से था, बारिश के कारण आ नहीं पाया, लेकिन भीगते भीगते जैसे ही बारिश थोड़ा कम हुआ मैं आपके बीच में क्लास लेने आ गया हूँ, ठीक है? सभी को गुड मॉर्निंग। पवन यादव, सूरज, सभी को गुड मॉर्निंग। शुभांगी पटेल, सूरज, शुभम सिंह, घनश्याम पटेल, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? कल की क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लेटर पढ़ चुके थे सर। कल की क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लेटर पढ़ने के बाद वर्ड फॉर्मेशन भी पढ़ चुके थे, यदि आपको याद होगा। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण, शब्द निर्माण भी सर हम लोग कल पढ़ चुके थे। यही तो पढ़ रहे थे वर्ड फॉर्मेशन। इसमें सर हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया था सर? हम लोग स्विच तक कर लिए थे, याद है? कल क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्या था? जब स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, याद है? यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। दारा सिंह, नगेंद्र सिंह पटेल, घनश्याम पटेल, नीरज कुमार, जयस यादव, पवन यादव, सूरज, सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ जाएं, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों को यह पता चल चुका था कि क्लास नहीं चलेगा, लेकिन क्लास आपका चल रहा है, ठीक है? कहा है स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में, स्विच एस डब्लू आई टी सी एच, यही तो कहा था, स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए। जरा बताओ इसमें एस डब्ल्यू आई टी सी एच में सबसे पहले क्या आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में? सर सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद डी ई एफ जी एच आएगा, तो एस लिख दिया, एच के बाद सर आई है तो आई, फिर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ डब्ल्यू होगा। कहा है स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, तो हमने वर्णमाला के क्रम में लगा दिया, तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो हमको क्या दिख रहा है सर? सिर्फ हमको आई दिख रहा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, तो हमारा आंसर होगा एक, यानी एक अक्षर ऐसा है जो उसका नाम क्या है, आई है, उसका स्थान अपरिवर्तित है। वेरी गुड, बहुत से बच्चे आंसर सी सी कर रहे हैं, सभी का सही है, ठीक है? एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रमवार लगाए जाएं और पता लगाएं कौन सा शब्द दाएं से तीसरा होगा, यानी इसको देखो कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5, इस पांचों को आप क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? देखो आई एम पी तो सब में है, आई एम पी सब में है,
आई एम पी सब में है, आई एम पी तो सब में है, आई एम पी सब में है, आई एम पी सब में है। ध्यान रखना इसको क्या करना है, शब्द को शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रमवार लगाएं। मतलब पहले ए को वरीयता देंगे, फिर वी को, फिर सी को, यानी अंग्रेजी वर्णमाला नहीं, जो डिक्शनरी होता है उसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब पहले ए को रखेंगे, फिर बी को रखेंगे, फिर सी को रखेंगे, ऐसे रखना है। तो क्या कहा है, पता लगाएं कौन सा शब्द दाएं से तीसरा होगा। पहले तो हम क्रम में अरेंज कर लें, तब तो पता करेंगे दाएं से तीसरा क्या होगा। सर आई एम पी आई एम पी आई एम पी आई एम पी तो सब में था, अब देखो ओ इसमें भी है, अब देखो इसमें आर है, ठीक है, अब इसमें भी सर ओ है, अब देखो यहां ओ ले लिया, इसको इसको लेंगे नहीं, यहां पर भी ओ है, ठीक है। उसके बाद सर देखा जाए ओ के बाद यहां पर यस आ रहा है, लेकिन ओ के बाद यहां आर आ रहा है, तो पहले क्या आएगा, पहले पांच वाला आएगा, ध्यान देना सर, पहले पांच वाला आएगा, फिर सर एक वाला आएगा, पांच वाला आएगा, फिर सर एक वाला आएगा, ठीक है, पांच वाला एक आएगा, एक वाला आएगा, उसके बाद सर दो वाला आएगा। देखो ना इधर, क्योंकि यहां पर आर के बाद ई है, याद रखना, पांच वाला आया सर, एक वाला आया, मतलब यह पांच वाला हो गया, फिर सर एक वाला हो गया, फिर सर दो वाला हो गया, उसके बाद सर देखो यहां पर ओ है, यहां पर यू है, तो पहले सर चार वाला आएगा, फिर सर तीन वाला आएगा, इसी तरीके से क्रम बैठेगा। यानी यदि डायरेक्ट हमारा आंसर पूछता, बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है, यहां पर कहा था निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रमवार लगाएं और पता लगाएं कौन सा शब्द दाएं से तीसरा होगा। तो दाएं से तीसरा क्या होगा, देखो यह बाएं से तीसरा है, यह लेफ्ट साइड से तीसरा है, और यह राइट साइड से तीसरा है, तो दाहिने से तीसरा दूसरा वाला होगा। दूसरा वाला क्या है, आई एम पी आर ई डबल एस आई वी ई, किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। बहुत से बच्चे आंसर बता भी रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। आगे हम आपको डिक्शनरी ही पढ़ाएंगे, ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना करिए, आगे हम आपको डिक्शनरी ही पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे अब डिक्शनरी ही शुरू करेंगे। जी बेटा दोनों साइड से वही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों साइड से वही है, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी बच्चे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कुछ भी नहीं था यार, देखो हमने मैच किया तो आई एम पी आई एम पी आई एम पी आई एम पी तो सब में था, उसके बाद इसमें सर ओ था, इसमें सर आर था, इसमें भी आर था, इसमें यू था, और सर इसमें पांचवें वाले में ओ था, अब ओ पहले में भी है, ओ पांचवें भी था, और ओ पहले में भी था, यहां पर सर अगला यस है, लेकिन यहां पर अगला आर है, तो R और S में पहले कौन आता है, पहले R आता है, इसलिए हमने पहले पांचवें को ले लिया, फिर हमने पहले को लिया, ठीक है। उसके बाद सर हम आगे चलें, उसके बाद सर यहां पर E था, इसलिए हमने दूसरे को ले लिया, उसके बाद सर हम चौथे में देखो, सर यहां पर O आ रहा है, और यहां पर सर तीसरे में U आ रहा है, तो पहले O वाले को लेंगे कि U वाले को, पहले O वाले को, इसलिए चार हो गया, फिर U वाला तीन हो गया, यानी यह हमने अभी क्रम में अरेंज कर दिया अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब इसमें कहा था दाएं से तीसरा, तो दाहिने से तीसरा एक दो तीन दूसरा वाला होगा, यानी इंप्रेसिव, यानी ई आई एम पी आर ई डबल एस आई वी माई राइट आंसर होगा, ठीक है। नेहा वर्मा बेटा समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग डिक्शनरी ही पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन ना करो।
आगे वर्ड फॉर्मेशन, अगला चैप्टर आपका है डिक्शनरी, ठीक है, अगला चैप्टर है आपका यह डिक्शनरी। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, छोटा सा चैप्टर है डिक्शनरी, जिसे शब्दकोश कहा जाता है, शब्दकोश, इसको शब्दकोश कहा जाता है, शब्दकोश। शब्दकोश मतलब जहां पर अक्षरों के ज्ञान को रखा जाता है, जैसे बैंक को कोषाघर कहा जाता है, वहां पे पैसे रखे जाते हैं ना, ऐसे इसको शब्दकोश, जहां पर शब्दों के भंडार हो उसी को कोश कहा जाता है, शब्दकोश। श्याम सुंदर, ओके वेरी गुड। एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे। सीमा पाल बेटा समझ में आ रहा है, शिवम आर्या, रिंकू सिंह सर कैलेंडर कब, बेटा बड़े बहुत जल्दी कैलेंडर पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना करो। एक बार जरा आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। आज बच्चों की संख्या थोड़ा कम है रोज के अकॉर्डिंग, तो आप लोग शेयर कर देंगे, बच्चों को पता चल जाएगा कि क्लासेस चलने लगी है, ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी, शब्दकोश। जैसे देखो इसी को यदि अरेंजिंग क्रम में रखना है, डिक्शनरी के अनुसार रखना है, तो पहले क्या आता है सर, पहले आंट आएगा, तो ए एन टी हो जाएगा आंट, उसके बाद सर बॉय हो जाएगा बी ओ वाई, उसके बाद सर काऊ हो जाएगा सी ओ डब्ल्यू, उसके बाद डॉग हो जाएगा डी ओ जी। अभी आपको हम रखना सिखा रहे हैं, पता है ना, देखो पहले देखो यहां पर ए वाला आएगा, फिर यहां पर बी वाला आया है, पहले पे ए वाला, दूसरे पे बी वाला, तीसरे में सी वाला और चौथे में डी वाला, एक दो तीन चार, ठीक है। क्या क्या आ गया सर, पहले में एक, फिर दूसरे में बी, तीसरे में सी और चौथे में डी, नोट कर लें बच्चे इसको। सोनम यादव वेरी गुड, ठीक है, जरा नीचे वाले का देखो, देखो ए ए तो सब में है, ए ए ए ए सब में है, अब देखो यहां पर एन है, यहां पर भी एन है, तो पहले एन को ले लेंगे, फिर ए एन टी को ले लेंगे, एन को ले लेंगे, फिर ए एन टी को ले लेंगे, फिर ए डबल पी को ले लेंगे और फिर आर को ले लेंगे, ठीक है। पहला लेटर देखो, पहला लेटर सब में ए सेम था, दूसरा लेटर यहां पर एन था, यहां पर एन था, तो पहले एन को ले लिया, फिर एंट को ले लिया, फिर यहां पर दूसरा लेटर आर था और यहां पर पी था, तो पहले एप को ले लिया, फिर आर को ले लिया, तो यह हो जाएगा रेंज में। यह अभी आपको समझाने के लिए बताया हूं, अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको आगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। बच्चे बताएं एक बार, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चंस कहा है, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करें, एक दो तीन चार पांच दिया है, इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखो ई एक्स पी तो सब में है, ई एक्स पी 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 सब में है। अब देखो चौथा अक्षर यहां पर ई है, मतलब पांच, यहां पर एल है, मतलब बारह,
यहां पर L है मतलब 12, यहां पर L है मतलब 12, और यहां पर E है मतलब 5। अब ध्यान देना इस बात का। देखो पांच यहां पर भी ई है और यहां पर भी ई है, तो अब पहला वाला लेंगे कि पांचवा वाला? अब आगे कंपेयर करो, देखो यहां पर एन है 14 और यहां पर डी है 4, तो पहले किसको लेंगे? पहले पांचवें वाले को। तो पांच पांच तो ऑप्शन में सब है, तो पहले पांचवें वाले को लेंगे और फिर पहले वाले को लेंगे, ठीक है? पांचवें वाले को लेंगे फिर पहले वाले को लेंगे। उसके बाद देखो यहां पर L है, L के बाद O, यहां पर D है, यहां I है, यहां S है, यहां R है, तो चौथे को लेंगे। पांचवें को ले लिए, पहले को, चौथे को, फिर तीसरे को लेंगे क्योंकि यहां पर I है, R है, तीसरे को लेंगे, फिर दूसरे को लेंगे। तो आंसर क्या होगा? 51432। यहां पर लेटर मैच कराना होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। पता है क्यों? क्योंकि सर ई एक्स पी 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 तो सभी में था, उसके बाद चौथा लेटर हमने कोडिंग किया, यहां पांच, यहां 12, यहां 12, यहां 12, यहां पांच, तो पांचवें और पहले में अब कंपेयर करेंगे सर किसको पहले लेंगे। अगला लेटर देखा सर, यहां पर डी है, यहां पर एन है, तो इसलिए हमने पहले पांचवें को ले लिया, ठीक है? उसके बाद सर हमने पहले को ले लिया। अब आगे चलेंगे, जब सर हम आगे चले तो यहां पर सर ओ है, यहां पर भी सर ओ है, यहां पर सर ओ है, यहां पर सर डी है, तो डी तो कंपेयर हो चुका था, लेकिन सर यहां पर डी था इसलिए हमने चौथे को ले लिया। फिर सर यहां पर आर को आई था इसलिए हमने तीसरे को ले लिया, यहां पर भी लास्ट में ई था हमने दूसरे को ले लिया। तो 51432 इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है? चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलो नेक्स्ट वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 4। लाइव लेटर लिटिल लिटरेसी लिविंग, इसका बताओ क्या होगा? देखो एल आई तो इसमें भी है, एल आई 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 इसमें भी है, ठीक है? यहां पर वी है, यहां पर टी टी, यहां पर टी टी, यहां पर भी टी है और यहां पर भी वी है। तो टी टी आया है तो टी सर इसको लेंगे, उसके बाद ई आ जा रहा है, अगले में आर आ जा रहा है, तो सर पहले तीसरे वाले को लेंगे, फिर सर दूसरे को लेंगे, फिर सर चौथे को लेंगे, ए है, फिर सर पहले को लेंगे, ई है, फिर सर पांचवें को लेंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 32415। बी नहीं होगा, 32415 होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। देखो यहां पर एल आई है, यहां पर भी 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 एल आई है। अब तीसरे लेटर में सर यहां पर वी है, यहां पर टी टी है, यहां पर भी टी टी है, यहां पर देखो आर आ जा रहा है। अब देखो आर आएगा पहले कि टी टी पहले आएगा, कि पहले वी वाला आएगा? पहले सर टी वाला आएगा। अब देखो टी टी इसमें भी है, अब देखो टी टी इसमें भी है, तो इसमें पांचवा लेटर ई है और इसमें पांचवा लेटर एल है, और एल के बाद फिर यहां पर देखो ई है लेकिन यहां पर आर है,
इसलिए क्या लेंगे, पहले तीसरे वाले को लेंगे, इसलिए तीन हो गया, फिर दूसरे वाले को ले लिए, फिर चौथे को इसलिए ले लिए क्योंकि सर यहाँ पर छठवां लेटर ए और सी है, इसलिए चार हो गया, फिर यहाँ सर लास्ट में ई बचा था इसलिए वन को ले लिया, यहाँ सर जी बचा था फाइव को ले लिया, तो 32415 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सीधा सीधा समझो कि अंग्रेजी वर्डमाला के क्रम के अनुसार वर्ड मीनिंग को मिला के हमको फिल करना है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे जंबलिंग ऑफ लेटर। जंबलिंग ऑफ लेटर, यहां से रेलवे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसको जंबलिंग नाम दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जंबलिंग का मतलब क्या होता है। आप देखोगे रेलवे के सिलेबस में, वहां आपको जंबलिंग दिखेगा तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर जंबलिंग क्या है, छोटा सा चैप्टर है, इसको भी बनाइए। देखो इसमें क्या होता है, आपको कोई वर्ड मीनिंग बनाना होगा। देखो दिया है ना ओ आर एस पी एन आई, अब ऑप्शन भी आपके सामने दिया है, क्या आपके पास एग्जाम में इतना समय है आप इसको अरेंज करो। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर एक है ना, और एक का मतलब क्या है ओ, चार है, चार का मतलब क्या है पी, ऐसे देखो यहां पर छह है तो छह का मतलब क्या है आई, देखो पांच है, पांच का मतलब एन, यहां देखो दो है, दो का मतलब आर, यहां देखो तीन है और तीन का मतलब यस, क्या यह कोई वर्ड मीनिंग बन रहा है, ओ पी आई एन आर एस, कोई वर्ड मीनिंग बन रहा है, नहीं बन रहा, इसलिए ए वाला गलत है। ऐसे सर यहां पर देखिए चार है, और चार का मतलब क्या होगा, देखो या इसका है या इसका है या इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, चार का मतलब क्या रखेंगे सर, चार का मतलब यहां पर पी हो जाएगा, दो का मतलब सर, दो का मतलब आर हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा, छह का मतलब सर यहां पर आई हो जाएगा, तीन का मतलब सर यहां पर यस हो जाएगा, एक का मतलब सर, एक का मतलब यहां ओ हो जाएगा, पांच का मतलब सर यहां पर एन हो जाएगा, शायद कुछ बना क्या प्रिजन, पी आर आई एस ओ एन, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। देखो यदि आपको यह वर्ड मीनिंग देखते ही आपके माइंड में कोई मीनिंग चलता है तो आप जल्दी से उस मीनिंग को बनाकर देखो, कहीं अप्लाई करो, क्या अप्लाई हो रहा है, यदि नहीं माइंड में आ रहा है तो आप क्या करोगे, चारों ऑप्शन पर रखकर जल्दी जल्दी चेक कर लो, चारों में से किसी न किसी एक जगह आपको कोई ना कोई वर्ड मीनिंग बन जाएगा, इसी को कहा जाता है जंबलिंग ऑफ लेटर। ठीक है, ठीक है, जंबलिंग ऑफ लेटर यही है, यहां पर क्या हो जाएगा प्रिजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रिजन, पी आर आई एस ओ एन, ऐसा नहीं, देखो यहां पर एक की वैल्यू ओ है, आर का दो, एस का तीन, पी का चार, एन का पांच, आई का छह, वहीं पर ऑप्शन में फिल करना था सर, पहले वाले में फिल किया तो कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं बना, दूसरे में फिल किया तो पी आर आई एस ओ एन प्रिजन बन गया, प्रिजन। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे चलें, फिर एक बार बच्चे जल्दी से कमेंट करके वाई लिखकर कमेंट करें। यह जंबलिंग ऑफ लेटर में अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जंबलिंग ऑफ में आपको अगला क्वेश्चन बताना है। चलिए आगे, इसको जरा बताइए, इसको बताइए, यह तो आप तुरंत समझ गए होंगे क्या है, वर्ड मीनिंग देख के ही आप समझ गए होंगे। देखो एल ओ पी आई ई सी ई आई सी, शायद पुलिस बनेगा, देखो पी ओ एल आई सी ई, पी ओ एल आई सी ई, ठीक है, तो पी की जगह क्या यूज हुआ है सर, पी की जगह तीन यूज हुआ है, ओ के जगह सर दो यूज हुआ है, एल के जगह पर सर एक यूज हुआ है, आई के जगह पर सर फाइव यूज हुआ है,
और सी के जगह पर सर 6 और ई के जगह पे सर 4, यानी कौन सा ऑप्शन बन रहा है? 3, 2, 1, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 4. यहां पर एक छूट गया है 4, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, पुलिस, एक ऑप्शन में छूट गया था यहां पे, यहां पर भी एक छूट गया है 4, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, यहां पर 4 नहीं था, हमने 4 बना दिया, तो 3, 2, 1, 5, 6, 4, यह छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना बेटा, यहां पर 6, 5 है, हमको चाहिए क्या 5, 6, बच्चे गलत कर देंगे, बी वाला गलत है, डी वाला गलत है, सी वाला, ए वाला सही होगा, यह छोटे बच्चों वाला प्रश्न है, सूरज यादव बेटा सी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, एक बार जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताएं, फिर हम लोग आगे चलें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताओ, ई आर आर ए टी एन एस जी, आप देखेंगे ना तो स्ट्रेंजर बनेगा, एस टी आर ए एन जी ई आर, यही बनेगा, इससे यही मीनिंग बनेगा, अब आपको मीनिंग पता होना चाहिए, यदि आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप क्या करेंगे पता है, पहले वाले में रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे, तीसरे वाले में रखेंगे, फिर चौथे वाले में रखेंगे, तो जाकर आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, देख लो ना इधर, यस के जगह पर क्या है सर, यस के जगह पर 7 है, यहां पर 7 हो जाएगा, टी के जगह पर सर 5 है, 5 हो जाएगा, आर के जगह पर देखो 2 आर है, 2 आर है तो एक 3 वाले पे भी आर है तो 3 ले लिया, ए के जगह पर क्या है सर 4 है तो 4 ले लिया, एन के जगह पर सर एन के जगह पर 6 है तो 6 ले लिया, जी के जगह पर सर जी के जगह पर 8 ले लिया, और ई के जगह पर सर ई का 1 है तो 1 हो गया, आर का 2 है तो 2 हो गया, यही तो होगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, स्ट्रेंजर, एस टी आर ए एन जी ई आर, नेहा वर्मा बेटा क्लियर हो गया आपको वर्ड पावर, जैसे बहुत से बच्चों को नहीं याद रहता है तो मेरे भाई आपको क्या करना है पता है, प्रत्येक देखो 1 का वैल्यू ई है, 2 का वैल्यू आर है, 3 का वैल्यू आर है, 4 का वैल्यू ए है, 5 का टी है, 6 का एन है, 7 का एस है, 8 का जी है, इसी को आपको प्रत्येक ऑप्शन पर रख दोगे तो ऑप्शन डी में आपका कोई ना कोई विकल्प बन जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, क्योंकि आज आपकी क्लास थोड़ा लेट का मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था बारिश के कारण, बाकी कवर कर दिया हूँ आपका, ठीक है, आगे चलिए, जी बेटा आगे चल रहा हूँ, चलो अगले क्वेश्चन के पास, अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसका बताओ, यह तो सबके जुबा पर होता है, आप पैदा होते हो तो यही मुंह से निकलता है, मां मदर, इसको बताइए क्या होगा, इसको तो आप देखते ही बना सकते हो, क्या मदर एम ओ टी एच ई आर, एम ओ टी एच ई आर, एम का मतलब 6, ओ का मतलब 2, टी का मतलब 1, एच का मतलब 3, ई का मतलब 5 और आर का मतलब 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 62, 13, 54, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 62, 13, 54, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, निवी यादव सर कब से शुरू किए,
बेटा क्लास आपकी 8:30 बजे स्टार्ट हो गई थी, 8:30 नहीं 8:25 पर। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन और करा दें क्या? इसके बाद देख लेते हैं और कुछ। मदर ही बार बार आ रहा है, ठीक है। इसके बाद पोजीशन इंटरचेंज है यहां से हम लोग। चलो यानी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया सर? हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। यानी जरा देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार जरा ध्यान से देखना सभी बच्चे, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार ध्यान से देखो। हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग से, तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पेयर ऑफ लेटर पढ़ लिए। उसके बाद हम लोगों ने सर लेटर सीरीज पढ़ लिया। उसके बाद सर हम लोगों ने वर्ड फॉर्मेशन पढ़ लिया। उसके बाद सर हम लोगों ने वर्ड फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा याद है? सर जंबलिंग ऑफ लेटर पढ़ लिया। और सर इसके पहले हम लोगों ने जंबलिंग ऑफ लेटर के पहले भी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? डिक्शनरी पढ़ लिया था। दिखने में लगता होगा, एक बार ध्यान से देखना, ऐसा लगता होगा सर अभी तो हमने सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, हमने सिर्फ पेयर ऑफ लेटर पढ़ा, लेटर सीरीज पढ़ा, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा, जंबलिंग ऑफ लेटर पढ़ा, डिक्शनरी पढ़ा। लेकिन आप मान के चलना, ठीक है, हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए? जो हमारा एनटीपीसी का पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे। मैं सिर्फ रीजनिंग की बात करता हूं। आप लोगों को मैंने 7 से 8 क्वेश्चन टच करा दिया है। कितना क्वेश्चन टच करा दिया है? 7 से 8 क्वेश्चन तक हम लोगों ने टच कर लिया है। यानी 30 क्वेश्चन में से हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन लगाने के लिए अब रेडी हो चुके हैं, ठीक है। बेटा पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना करो। जैसे ही क्लास के बाद मैं निकलूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे आज 12 बजे तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना करना, ठीक है। यानी हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, पेयर ऑफ लेटर पढ़ लिया, लेटर सीरीज पढ़ लिया, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ लिया, जंबलिंग ऑफ लेटर पढ़ लिया और डिक्शनरी पढ़ लिया। इसके बाद एक चैप्टर हम लोगों का छोटा सा है पोजीशन इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज है। और भी जो कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनते होंगे उसको भी मैं कल करवा दूंगा। उसके बाद आगे से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज बस यहीं तक। आगे पढ़ा दूँ लेकिन साइंस वाले सर आपके आ चुके हैं, तो रीजनिंग के क्लास आपको भले ही 35 से 40 मिनट मिल पाया तो आप साइंस पढ़िए, क्योंकि आपके एनटीपीसी में साइंस का ही अहम रोल है जीएस के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।